महारानी को प्रसव हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद आपको करना है क्या? क्या जैसे हम डॉक्टर को बुला कर लाएंगे, हाँ। डॉक्टर के द्वारा उस बच्चे को हम किसी गड्ढे में फेंकवा देंगे। अच्छा। और बच्चे की जगह पे ईंटा और पत्थर रख देंगे। महाराज का दिया हुआ घंटा जो है, घंटे हाँ। में तीन ठोकर लगाएंगे, कहीं भी महाराज जंगल किसी कोने में होंगे, महाराज जंगल से दौड़ते हुए चले जाएंगे। और महाराज जैसे आपसे महाराज बच्चे मांगेंगे, आप बच्चे की जगह महाराज की गोद में ईटा पत्थर रख दीजिए और बोल दीजिए छोटी महाराज ने ईटा पत्थर को जन्म दिया है। जितना वहां सेब खैला छ सब वहां कुचा कुचा बाहर कर लग। लेकिन किसी मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज अगर इस समय आप ऐसा नहीं करेंगे, आप राजमाता बन करके नहीं रह पाएंगे। क्या आप इस राज की नौकरानी बन जाएंगे? क्या मैं नौकरानी बन जाऊंगी? राम देरी वाला रोडो बगलम छिल्ला छिलेल पर था नहीं मंत्री जी, बड़ा धन नाम लेके कसिया लेके मक्के खेत घूमेल पर था नहीं, भैंसिया गोबर को चिपरी ठोकर पर था नहीं मंत्री जी, मैं इस माल की महारानी हूँ और मैं महारानी बनकर ही रहूंगी। तो ये बदला लीजिए ना। ओ, तो यही सब बदला लेने की समय आ चुकी है। जैसे महाराज ईटा पत्थर देखेंगे, हाँ। छोटी महारानी जी को मारते मारते महाराज बर्बाद कर देंगे। उसके बाद आपका मान सम्मान, इस समय आप एक मंजिल के अंदर में हैं, हाँ। हम आपको पांच मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है मंत्री जी, तो तूने अच्छी बात बताई मुझे। लेकिन महारानी जी, इस समय छोटी महारानी की आवाज देखी आ रही है। हाँ मंत्री जी, आप जाइए छोटी महारानी के पास और ये बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, हम आज यहाँ से तिरासी ही ना कहे के लिए हम यहाँ रह पूछते मिली भगत से नहीं मंत्री जी, हमारा जरूरी पड़ता हमारा आवाज लगे। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वाह मास्टर साहब, समझ लियो आज का दिन पेनों को लौटा घर घर देखो नूर पढ़े गिरे गिर नूर सीखी गए बताबो घर चलते हमरो बुढ़वा लहरे ला हम नहीं चल के जब तक लहरे ला हम बदला सुखे मास्टर साहब गाड़ी चाबी देखियो जइयो हम मोचोसा है घूमे ले तोरा गाड़ी नहीं लो ओकरा में तेल धारण पर था हाय 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 ये हो पाताला आई लागे छ हमरा कॉलेज में ठंडा है रहल छ आज के ये कई हो पाता इसी प्रकार से आप लोगों ने शास्त्री का दान देकर आज का अभिनय आनंद लेंगे और हमारे कंपनी में पेश है यूट्यूब चैनल पब्लिक म्यूजिक शो और साथ में डीजी साउंड सर्विस आप है भाई राहुल डीजी साउंड। आइए कार्यक्रम का अगला भाग आंखों देखा हाल की ओर। आज मुझे बहुत जोर से दर्द हो रही है, दर्द ऐसा लगता है कि आज मेरी प्राण नहीं बचेंगे। हे भगवान, आज मैं इस महल में एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं बड़ी बहन को आवाज लगाती हूँ। I'm not afraid to die.
ना एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। आज मुझे बहुत जोर से दर्द हो रही है माँ। अरे बाल, तूने आज शिशुमाल में एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। हाँ बा, देखो बाल, जन्म देने से पहले एक बात मैं तुमको बताना चाहती हूँ। क्या? देखो बहन, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ के जो नियम है, वो तुम तो अभी जानते नहीं हो कि प्रसव कैसे किया जाते हैं। हाँ बा, मैं यहाँ का तौर तरीका नहीं जानती हूँ बहन। देखो बहन, अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। प्रसव होने के समय मैं तुम्हारी आंखों में सात पट्टी दोबड़ बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारे सर को चूल्हे में दे दूंगी और तुम्हारी पांव जो है उसे कोठी में डाल दूंगी। लेकिन बहन, ये नियम मैं कहीं नहीं देखी हूँ और नहीं कहीं सुनी हूँ बहन। अरे बहन, कि जिसे पहले प्रसव होते हैं उनकी आंखों में सात पट्टी बांधी जाती है। हाँ बहन, और मुड़ी कोठी में दिया जाते हैं। हाँ, और पैर दोनों चूल्हे में। हाँ बहन, क्योंकि यहाँ की रीति रिवाज यही है, यहाँ के नियम यही है बहन। ठीक है बहन, अगर नियम रीति रिवाज यहाँ का यही है तो मैं ये रीति रिवाज नियम तो क्यों तोड़ेंगे बहन। हाँ बहन, ठीक है, मेरी आंखों में सात पट्टी बांध दो बहन। ठीक है, अपना सब धीरा धीरा बैठी रही हो। हाँ, टाइम लगता है आवे के तो अन्य बैठे बताइए। हम इस सब बैठी रहे थे महारानी जी। हाँ मंत्री जी, इस समय महारानी किस प्रकार है? अरे मंत्री जी, अब जो है जी, कुछ ही समय में वो बच्ची को जन्म देने वाली है। हम डग रहियां यहां जाय छी। हां मंत्री जी, और अब बोला एलन वहां बुढ़िया का। ठीक है, केने लागे भरे के निक आराम कर दियो। हां मंत्री जी, अपना जइयो दौड़ा लागे के बैठी रहबे। ठीक है, मैं जा रही हूं। जइयो जइयो, चल से आवाज रखो। जइयो, देखो यहां दौड़ा लागे बरथा के चूल्हे लागे बरथा या तो गोरा लागियो ने एता गोर फ्री है छे तो आवाज आवाज लगबे छे। अपना सब बैठू ना, आवा नाश्ता करा के बैठिए के तो चार यहां होटल खुलो छे ने। आई गाम हम डबरनिया ने छे, सब मडबरनिया ने होतो, सब देखो जो साफ सुथरा लागे छे। तो डबरनिया आवाज लगे हो कोन किने आवाज लगे हो? ओही नहीं कर जा दे राम माई गे गे डबरनिया है गे बताओ बुढ़िया हमारा बेटा कहे सुतारी को गे दादी गे हे आ के गरचुन माछ है रे तोरा गरचुन माछ की हम ए रे मुटेरा छ कहे कहिया देखना तो हमरा मुटेरा गए हे रे हाग नाच कहे रे तोरा तोरा कखनी तेरा लो हम हागे देलिए गे रे ननु हां अगर हम हाग नाच छियो
हमरा बाप को तो कहिया चिन्ह नै गा ए रे कुपा घाट में मेला लागल रहे न हां सत्संग होल रे वहां दोनों एके चट्टी पर बैठे रहिए रे सत्संग करे रे ध्यान कर रे ध्यान ने तो करबे रे उघारे कर रे के चदर बोरी के पदना पताई कौन जी सब बोले रे क्यों काम से आयल छी आगे आयल छी परसर के काम से परसर तोरा माइक छ गा बाबूरी आग बोले सहुर छ बताबो लेल देल हमराय पर ध्या दे छे आगे हमरा माइक नै गे तब के कर छी हम पर सब को महलवा महारानी जी का तोरा नानी के देखो कहिना घटा हमरा लागे रहल छे आ बुढ़िया ना पा उठा रहल छे आगे दादी का अरे पोता तो ऊंचे सुने छे की गा अरे पोता हम ऊंच सुने यो जोर से बोलियो हां जोर से बोली ना ये दादी की रे पोता या पहले होतो तोरा हमरा हम शादी पधरा पोता की बोले छे आबरे सुन ना ने गे ने सुन बेटा अबरे अच्छा ना लागलो हे रे आगे पर सब ना हमर माय का हां ना पर सब ना नहीं का तब के कर छियो पर सब को महारानी जी का ओहो महारानी जी के आ तब तोरा नानी का रे बेटा आ हमें तो ना जा सकबो तो ना ये बात हम ही जइयो ए तो आ कथि ले भाई सगलो पर बैठा घर के आए हो ए रे हम थकी गेल छे पर सब कर के आल छे हम थक गेल छे रे नहीं ले नहीं छे गा ए रे ले नहीं छे रे आ तब केना होत।